अच्छा ये बताओ, कौन सी YouTube वीडियो और कौन सा इंस्टा रील तुमने लास्ट देखा था इससे पहले? उनके क्रिएटर्स का नाम याद है? अगर YouTube चैनल का नाम याद आ रहा है और इंस्टा वाले का नाम याद नहीं आ रहा, तो तुम 60-70% नॉर्मल लोगों के अंदर आते हो। ये सवाल पूछने का कारण था व्यूज के सिस्टम को समझाना। दो कारण है, ये था पहला कारण। आई एम प्रिटी श्योर वो लास्ट वाला इंस्टा रील्स वो लास्ट वाले YouTube वीडियो से बहुत ज्यादा व्यूड है। और दूसरा कारण वीडियो के एंड में बोलूंगा। तो जैसे लोगों के दिल में भी सिर्फ व्यूज मैटर नहीं करता, थोड़ा टाइम बीतने के बाद ही, वैसा ही कंटेंट क्रिएशन को एज ए प्रोफेशन बनाने के लिए भी व्यूज मैटर नहीं करता लॉन्ग टर्म में, सिर्फ व्यूज। इतना सिंपल एनालॉजी बहुत सारे को पता होने के बाद भी बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, क्योंकि हम व्यूज के पीछे गलत तरीके से भागते हैं। लाइव स्ट्रीम पे क्रिएटर ने अपने बाप से कुत्ते की तरह धुलने के बाद बोला इट्स अ प्रैंक। व्यूज का चक्कर बाबू भैया, व्यूज का चक्कर, जिस चक्कर में हम भूल जाते हैं अबाउट द ब्रांडिंग। सीरियसली लॉन्ग टर्म कंटेंट क्रिएशन में ना ब्रांडिंग प्लेज अ ह्यूज रोल। यस, व्यूज से ज्यादा ही। लोग किस तरीके से तुम्हें परसीव कर रहे हैं एंड तुम किस टाइप के लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो। कितने मॉडरेटली स्मॉल चैनल्स को बड़े ब्रांड्स के साथ काम करते देखा है ना। हाँ, तो वो उनका ब्रांडिंग का आउटकम है, जो बड़े ब्रांड्स को ना बहुत अच्छी तरीके से पता होता है, हमसे बहुत ज्यादा। क्या पता होता है, इस पॉइंट को बिल्कुल भी ऑफेंसिव नहीं लिखना है। ब्रांड्स के लिए व्यूअर्स आर जस्ट कस्टमर्स, व्यूअर्स आर क्लाइंट्स, जो चीजें आइदर अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता। औकात का डिफरेंस, बड़े नंबर्स ऑफ ना अफोर्ड करने वाला या मॉडरेटली छोटा नंबर्स ऑफ अफोर्ड करने वाला, तुम किसके पास जाओगे एज ए ब्रांड? ऑब्वियसली बड़े नंबर। इसीलिए ब्रांडिंग मतलब सिर्फ चैनल या प्रोफाइल्स का लोगो, फॉन्ट्स, ग्राफिक डिजाइन, पोस्टर्स ही नहीं, बाकी तीन मेन चीज जिससे शुरू होता है। फर्स्ट, योर इंटेंशन। वेरी सिंपल, तुम कैसे अपने चैनल या प्रोफाइल को देखना चाहते हो इन द फ्यूचर, कैसे ऑडियंस, उनके स्टेटस, उनके वाइब्स, कम्युनिटी का वाइब्स, उनके इंटरेस्ट, तुम्हारे इंटरेस्ट, मच्योर लोग या बच्चे, एक्सपर्ट लोग या बिगिनर्स, सोफिस्टिकेटेड या छप। ओनली देन आएगा तुम काम कर पाओगे ऑन योर कॉन्टेंट वैल्यू। अ वेरी हार्श ट्रूथ, अगर सारा का सारा तुम्हारा कंटेंट अभी तक का बेस्ड है चीप लाइटिंग, चीप सिनेमैटिक लाइटिंग, जीरो बजट DIY फिल्म मेकिंग लाइट्स के ऊपर, तो एपर्चर जैसे कंपनी विल नेवर कॉन्टैक्ट यू। इसीलिए करना है इंक्रीज, पहले तो क्वालिटी में, चाहे वो प्रोडक्शन क्वालिटी हो, टॉपिक क्वालिटी हो, पैकेजिंग क्वालिटी हो। बट करने के टाइम किस पे ध्यान ज्यादा देना है, बोला था ना योर इंटेंशन, तुम किस तरफ ग्रो करना या किस तरीके का ऑडियंस अट्रैक्ट करना चाहते हो, बेस्ड ऑन दोज इंक्रीज द क्वालिटी। जितना हो सके इन्वेस्ट उस रिलेटेड, उसकी बेस्ड चीजों पे करते रहो पहले से ही, और धीरे धीरे ट्राई करो कि लेस, कम पिक करने का उन सारे सब्जेक्ट्स को, टॉपिक्स को, प्रोडक्ट्स को जो सिर्फ चीप छप, जो सिर्फ जुगाड़ से रिलेटेड है, समझ रहे हो। धीरे धीरे क्यों बोला पता है, ये सारे चीज कैसे प्रीमियम प्रो टाइप का ब्रांडिंग अपने लिए, अपने चैनल के लिए क्रिएट करना, ये सब तो बहुत सही थियोरीज है, पॉइंटेड एरोज है, गोल्स है, गाइड्स है तुम्हारे दिमाग के लिए, बट रियलिटी का तीर ना दिमाग में नहीं घुसता। अरे स्टार्टिंग में कहाँ रहेगा मिररलेस, फुल फ्रेम्स, बिग स्टूडियो, लोकेशंस, ड्रोन्स, 1 लाख की जूते 20% डिस्काउंट के साथ, तो क्या बैठे रहे? नहीं, स्टार्टिंग में इंपॉर्टेंट है सिर्फ बनाना, क्योंकि अपने केले को दिखाने के लिए, अपने कला को दिखाने के लिए, लोगों तक रीच करने के लिए बहुत लोग ये ट्राई करते हैं, जिसे बोलते हैं पेनिट्रेशन टेक्निक, कैसे भी करके पहले अंदर घुसने का इंडस्ट्री या कम्युनिटी के, बट कैसे भी करने के अंदर वो व्यूज का चक्कर वाले एग्जांपल्स नहीं आना चाहिए, थोड़ा रीच, थोड़ा अप्रिशिएशन मिलने लगे ना, तो धीरे धीरे इन्वेस्ट करो पैसा और एक्स्ट्रा टाइम टू द रियल प्रोफेशनल चीजें, सिर्फ शौक पे नहीं, इंटेंशंस पे। टाइम कहाँ से लाए एक्स्ट्रा, जो तुम कैसे सिर्फ ज्यादा व्यूज मिले, नया ट्रेंड्स जैसे चीजों में देते हो ना, बोरो फ्रॉम दैट। मैंने भी स्टार्ट ऐसे ही किया था जुगाड़ू चीप से, बट पहले से कभी भी क्वालिटी में कभी भी मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, डार्क सर्कल्स की कसम, बट बैलेंस इज गुड, क्योंकि सिर्फ व्यूज का भूखा होके तुम ना जाने क्या क्या चीजें कर बैठोगे, जिससे ना तो सिर्फ ऑडियंस भी वैसे ही अट्रैक्ट होगा, बट जो आएगा सिर्फ वही चीज मांगेगा तुमसे बार बार, सिर्फ चीप,
में भी उससे भी बदतर। और एल्गोरिथम के पास तो बाइनोकुलर्स होते हैं ही, तुम्हारा सारा कंटेंट वो देखेंगे, फिर जक जक करके वो उन्हीं के पास पहुंचाएंगे जो इन टाइप के कंटेंट से अट्रैक्ट होते हैं, सिर्फ उन्हीं को। पहले कम्युनिटी के एक पार्ट तक रीच करना, देन द बैलेंस, देन मूव टू ब्रांडिंग एंड योर पर्सनैलिटी, क्योंकि कोई भी प्लेटफॉर्म में तुम्हारे अपने ब्रांडिंग का सबसे बड़ा पार्ट ही तुम्हारा पर्सनैलिटी होगा। बोला था ना क्रिएटर्स के नाम क्यों याद है, उसका सेकंड रीजन एकदम लास्ट में बोलूंगा, वो रीजन पर्सनैलिटी है, जिससे लोग और ब्रांड्स जुड़ते हैं, जो न्यू क्रिएटर्स के लिए सिर्फ 10-20 सेकंड्स में तैयार नहीं हो पाता, भले ही तुम पागल जैसे ओरिजिनल कंटेंट क्यों ना बना दो। बट ऑलवेज रिमेंबर, कंटेंट या ब्रांडिंग के टाइम सिर्फ अपने ओपिनियन पे बिलीव रखना, क्योंकि दूसरे के तो अभी थ्रेड्स पे भी मिल रहे हैं ब्लू टिक के साथ।